subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत, आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे आप सब लोग? एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने पाइपलाइन सिस्टम के कंसेप्ट पढ़े थे, एक लेक्चर पूरा कम्प्लीट हो गया। आज उसी का सेकेंड पार्ट है, पाइपलाइन सेकेंड के, और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे और नए नए वैरायटी के हम लोग सवाल देखेंगे। तो एक बार जल्दी से सब लोग सेशन लाइक और शेयर कर दीजिए। पुनीत बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, सोनाली वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग खुशबू, वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे, मोहित, रेखा, सरिता, राहुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभांगी वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक बार देख लीजिए, ये आपके अभी 23 फरवरी से आने वाले बैचेस हैं, और जिनको भी जो बैच ज्वाइन करना है वो लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। पाइप एंड सिस्टम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है। यहाँ पर एक खास बात थी, हमने कहा था कि जब भी कोई इसके पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है, मतलब पाइप एंड सिस्टम के जो पूरे कॉन्सेप्ट है, वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के ही यूज होते हैं यहाँ पर, है ना। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर टाइम एंड वर्क के यूज होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी पाइप टंकी को भर रहा है तो साइन प्लस का लगेगा, और अगर कोई पाइप टंकी को खाली कर रहा है तो साइन माइनस का लगेगा। क्लियर है सब लोगों को? ये चीज हमने बताई थी कि अगर पाइप भर रहा है तो साइन प्लस का, अगर पाइप खाली कर रहा है तो साइन माइनस का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिछली क्लास में एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन पहले उस चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि उसका जवाब कितने लोगों ने दिया। मोहित, थैंक यू सो मच आपको भी। मोहित ने आंसर दिया था 1 घंटे 16 मिनट, मतलब 1 घंटे 16 मिनट 5 सेकेंड, शायद 16.5 मिनट। साक्षी ने, सरिता ने, जागृति, खुशबू, साक्षी, प्रकाश, नितिका, सहेली, लवली, इतने लोगों ने आंसर दिया था पिछली क्लास में इस सवाल का, जो हमने होमवर्क दिया था। अब वो होमवर्क सवाल क्या था उस पर भी चर्चा कर ले भाई। वो सवाल ये था, स्क्रीन पे आपके हाजिर है, फटाफट जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए तेजी के साथ, और बताइए जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है वो अभी सॉल्व कर लें, लाइक और शेयर कर दें भाई, ये भी चीज मत भूलिएगा। देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट। एक पाइप है जो टंकी को 36 मिनट में भर सकती है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन द टैंक इन 1 आवर, और एक दूसरा पाइप है जो टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। फर्स्ट पाइप ओपन व्हेन 25% टैंक फिल्ड, देन सेकंड पाइप आल्सो ओपन, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जब 25% पार्ट भरा हुआ था तो हमने पहले पाइप को और सेकेंड पाइप को ओपन किया इन वाट। बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों का आंसर आ जाएगा।
चलिए आइए देखिए ध्यान से, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, सब लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सब लोग क्या लिखा है, पाइप ए टंकी को कितनी देर में भर रही है, 36 मिनट में भर रही है। पाइप बी कितनी देर में भरेगी टंकी को, 60 मिनट, एक घंटे मतलब कितना होता है 60 मिनट। 36 और 60 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 180। 36 से भाग करो कितना आएगा 5, और 60 से भाग करेंगे कितना आएगा 6, सॉरी 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 3 आएगा। अच्छा एक बात और, ये खाली कर रहा था तो साइन माइनस का लगा देना बस, ठीक है। अब फर्स्ट फिल पाइप, अच्छा फर्स्ट फिल पाइप ओपन व्हेन 25% टैंक फिल्ड देन सेकेंड पाइप। अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं थोड़ा लगा था मुझे गड़बड़। जब पहला टैंक मतलब पहला पाइप जब 25% टंकी भर लेता है तब हमने सेकेंड पाइप को ओपन किया है ना। तो एक बात बताइए, पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 180। तो 25% पोर्शन फिल करने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 25% पोर्शन मतलब 180 का 1/4, 4 × 16, 4 × 5 = 20, यानी कि 45 वर्क उसने कर लिया होगा, किसने, ए ने। सवाल में ये लिखा है कि जब ए ने 25% काम कर लिया है तब हमने बी को ओपन किया है, ठीक है। जब सवाल में लिखा है कि जब हमने 25% काम कर लिया है तब हमने ओपन किया है, यानी कि 45 काम हो चुका था भाई, ठीक है। 45 काम, तो 45 काम कितना समय लगा होगा ए को करने में, तो एक बात बताओ 45 काम करने में, एक मिनट में 5 काम, तो आप बताओ इसने 9 मिनट लिया होगा इसको करने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, ए ने 9 मिनट लिया होगा। अब आप बताओ रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, रिमेनिंग पार्ट 180 में 45 काम हो चुका था तो बचेगा कितना, 135 काम बचा। और अब दोनों ही पाइप काम कर रहे हैं तो दोनों पाइप काम करने का मतलब 2 से भाग कर दीजिए, ये समय आ जाएगा, सही है। 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 67 1/2 मिनट ले लो, है ना, 67 1/2 मिनट आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, तो 67 1/2 ये, और प्लस 9 मिनट पहले वाला, है ना, 9 मिनट ये वाला, क्योंकि 9 मिनट पहले भी लग चुका था, तो सीधे सीधे आपका आंसर जो आ रहा है 1 घंटे 16:30। क्लियर है, मुझे लगता है सभी लोगों को पूरा सवाल समझ में आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो आज की क्लास का पहला सवाल ये होमवर्क सवाल था, जल्दी से इसको फटाफट सब लोग तेजी के साथ सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 hours व्हाइल पाइप अनदर पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 6 hours इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन व्हाट टाइम विल। बहुत आसान सवाल है, 1 सेकंड में पूरी क्लास का आंसर आ जाएगा, जल्दी से तेजी के साथ फटाफट सब लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होना चाहिए। आप बताइए, ए टंकी को भर सकता है 3 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है, खाली कर रहा है 6 घंटे में, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 से भाग कर दीजिए 2 आएगा, 6 से भाग कर दीजिए -1 आएगा। आप बताओ ए और बी की जो नेट क्षमता आ रही कितनी आ रही, 1 आ रही,
तो 6/1 कर दीजिए, आंसर आएगा 6, खत्म कहानी। कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिप्लाई सभी लोगों का। जल्दी से जल्दी से जल्दी से सब लोग, देखिए सवाल में क्या लिखा है कि जब ए अकेले काम करता है, जब ए अकेले टंकी को भरता है तो 16 घंटे में टंकी भर जाती है ना, लेकिन जब ए और बी दोनों पाइप काम करते हैं तो टंकी को भरने में 24 घंटे लग रहा है, क्योंकि ए अकेला टंकी को भर रहा था 16 घंटे में बिकॉज ऑफ लीक, यहां से पानी बह रहा था जिस वजह से टंकी अब 24 घंटे में भर रही है। यानी जब ए अकेले काम कर रहा है तो 16 घंटे और जब ए और बी दोनों काम करें तो टंकी भरने में 24 घंटे। बाकी समझदार हो, है ना। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। 16 × 3 = 48 और 24 × 48। ए प्लस बी की इफिशियंसी है 2, ए की क्षमता है 3, तो बी की क्षमता -1 आ जाएगी। तो 48/-1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 48, यानी पूरी टंकी 48 मिनट में क्या हो जाएगी? खाली। बिल्कुल सही, आवर आवर 48 घंटे 48 आवर में खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए। तेजी के साथ, तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करिए, बताइए किसका आंसर क्या आ रहा। टू पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल इन अ सिस्टर्न इन 15 and 10 minutes रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान सुनेंगे, ए टंकी को भरता है 15 मिनट में, बी टंकी को भरता है 10 मिनट में, और एक तीसरा पाइप है, ए भर रहा 15 मिनट में, बी भर रहा है 10 मिनट में, और एक तीसरा पाइप है जो पानी निकाल रहा है। ये कितने मिनट में टंकी को खाली करेगा ये नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि 7 लीटर/मिनट के हिसाब से पानी निकालता है ये। 7 लीटर/मिनट के हिसाब से ये पानी निकाल रहा है बेटा। अब आप दो इसका नामकरण कर दो, ए है, ये बी है, ये सी है। जब ए अकेले काम करे तो 15 मिनट में, जब बी अकेले काम करे तो 10 मिनट में, और जब तीनों पाइप एक साथ काम करें तो बोल रहा है सवाल कि तीनों मिलकर के पूरी टंकी को 2 मिनट में क्या कर सकते हैं? तीनों पाइप, अच्छा तीनों पाइप 2 मिनट में क्या कर सकते हैं बेटा? खाली कर सकते हैं, याद रखिएगा।
ये लिखा है ना, इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर सिस्टम इज फुल इट इन ब्राइड इन 2 मिनट। ओके, 2 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये खाली कर सकते हैं तो 15, 10 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 15 से भाग करिए कितना आएगा, 2 आएगा। 10 से भाग करिए 3 आएगा और 2 से भाग करिए -15 आएगा, है ना। अलर्ट होके सुनना, थोड़ा सवाल खतरनाक है भाई, है ना। अच्छा आप बताओ सब लोग, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो -15 है, ए और बी की क्षमता है 5, उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, -20। बोलो सब लोग, सी की इफिशियंसी -20 आ रही ना भाई, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से सर का कमेंट करो। है ना, अब आप बताओ, पांच मैं यहां पर गलती कहां पर कर रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी का काम कितना है 5, तो 5 अगर उधर जाएगा तो -20 नहीं हो जाएगा, क्या गड़बड़ कहां हो रहा। अच्छा सी की क्षमता आ रही है कितनी, सी की इफिशियंसी 20 आ रही ना भाई, अब आप बताओ, जैसे सी की क्षमता आ रही 20, सही है, ठीक है, नहीं काफी सारे लोग 10 दे रहे थे तो मैंने कहा मेरा कहां गलत हो रहा। अब बताओ सी की क्षमता -20 आ रही है तो पूरा काम करने में सी को कितना समय लगेगा, 30 बाई 20 मिनट लगेगा, 30 बाई 20 मिनट, है ना, 30 बाई 20 मिनट। अब आप बताइए, तो 30 बाई 20 मिनट, अब आप बताइए इसने क्या बोला कि एंड अ वेस्ट पाइप डिस्चार्ज 7 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 7 लीटर पानी निकालता है, आंसर क्या आ रहा है इसका। तो ये तो आंसर आ जाएगा कितना, 3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 7 आ रहा है ना भाई, 21/2। कहां पर गड़बड़ हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। टेन पॉइंट फाइव आएगा इस हिसाब से आंसर में, 21/2 आएगा भाई, 21/2
भाई 21/2 कर लो, इसमें आंसर में 21/2 आएगा, कहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, 21/2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दोबारा फिर से समझा रहे हैं, सवाल ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरती है, 15, बी उसी टंकी को 10 मिनट भरता है, 10, और सी उसको खाली करता है कितनी देर में, मतलब सी नहीं, तीनों मिलकर के इसमें लिखा है। देखो यहाँ पर क्या खास बात है कि ए और बी भर रहे हैं सिस्टर्न को, एंड अ वेस्ट पाइप कैन डिस्चार्ज 7, जो तीसरा पाइप था वो 7 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा था। If all the pipe are open, then the cistern is full. It is emptied in 2 minutes. मतलब अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो पूरी टंकी जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी टंकी 2 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, 15, 10 और 2 का अगर हम एलसीएम लेने की बात करें, 15, 10 और 2 का एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, 15 से भाग करिए 2 आएगा, 10 से भाग करिए 3 आएगा, 2 से भाग करिए -15 आया। अब आप बोलो बताओ ए प्लस बी प्लस सी की भी एफिशिएंसी आ रही -15, ए और बी की जो क्षमता आ रही वो 5 आ रही, 5 अगर हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये चूंकि प्लस की है तो ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी -20, पूरा वर्क है 30, 30 बाई -20 करोगे, इसका मतलब हो जाएगा 30/2 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली, यानी कि 3/2 कुल मिला के, कहने का मतलब ये है। और 1 मिनट में ये कितना पानी निकाल रहा था, 7, तो इंटू हमने कर दिया 3/2 × 7, यानी 21/2 लीटर आएगा पानी। ठीक है बेटा, हाँ क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगाइए जल्दी से तेजी के साथ। तेजी के साथ बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। देखिए क्या लिखा कि टू फिल टैप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 45 और 40 मिनट, है ना। दे स्टार्टेड टू फिल टैंक टुगेदर बट फिल टैप ए इज टर्न ऑफ आफ्टर फ्यू मिनट एंड फिल टैप बी फिल द रेस्ट पार्ट इन 23 मिनट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट वॉज टैप ए टर्न ऑफ। जल्दी से बताओ, बहुत आसान सवाल है, तेजी के साथ बताओ, तेजी के साथ सब लोग। देखो पहला काम तो ए भर रहा है टंकी को कितनी देर में, 45 मिनट में, और बी कितनी देर में भर रहा है, 40 मिनट में, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड राहुल पुनीत, हाँ वेरी गुड। अब आप बताइए सब लोग, 45 और 40 का सबसे पहले तो एलसीएम बताओ कितना आएगा, 360 नहीं, और उसके बाद 45 से अगर हम भाग करेंगे, 9, 5, 45, 9, 4, 36, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, ये 8:9 इनकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। अब आप देखिए क्या बोल रहा है सवाल में,
कि दे स्टार्टेड टू फिल, मतलब दोनों ने काम चालू कर दिया, दोनों ने काम चालू कर दिया ए और बी ने, और उसके बाद हमने क्या किया, ए को बंद कर दिया, और जब ए बंद हो गया तो आप बताओ खाली अकेले बी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस बी ने 23 मिनट में बाकी टंकी को फिल कर दिया। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, एक मिनट में बी 9 काम करता है तो 23 मिनट में बी ने कितना काम किया होगा, सबसे पहले तो ये देखो। तो आप बताओ 9 × 27, 9 × 2 = 18, यानी 207 पार्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 360 - 207, है ना। तो आप बताइए बचेगा कितना, 153। इसका मतलब है 153 पार्ट दोनों ने साथ साथ काम किया होगा, तो ए और बी ने साथ साथ काम किया, 153 बाई कितना हो जाएगा 17, और 17 का भाग करिए 9, यानी कि कहने का मतलब था कि हमने 9 मिनट के बाद आफ्टर 9 मिनट ए शुड बी क्लोज्ड, ठीक है, 9 मिनट के बाद हमने ए को बंद कर दिया था, बाकी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो फिर इस सवाल का भी आंसर दे दीजिए सब लोग तेजी के साथ। जल्दी से जल्दी से, देखते हैं, पाइप ए एंड बी फिल इन 15 hours and 20 hours, जो ए है वो 15 घंटे में टंकी को भर रहा है, जो बी है वो 20 आवर में टंकी को भर रहा है, ए 15 घंटे में, बी 20 आवर में, है ना। और जो थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी, एक तीसरा पाइप है जो 25 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, खाली कर रहा है। तो अब आप बताइए 15, 20 और 25 का एलसीएम अगर हम बात करें तो आप बताइए एलसीएम बनेगा कितना, 300। 15 से भाग करिए 20 आ जाएगा, 20 से भाग करिए 15 आ जाएगा, 25 से भाग करिए, 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बट माइनस का। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। अब सवाल में लिखा है कि ऑल द थ्री पाइप ओपन बिगिनिंग, मतलब तीनों पाइप को हमने 10 घंटे तक चालू किया पहले, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का 10 घंटे का काम कितना होगा, तो एक बार बताओ 20 और 15 35 माइनस 12 अगर करेंगे तो कितना आएगा 23, तो ये हो जाएगा 230 वर्क डन हो गया कि नहीं हो गया पहले ये बताओ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का नेट काम कितना आ रहा है, 23 आ रहा है ना। तो आप बताइए रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 300 में से 230 माइनस कर दो, आप बताओ 70 बचा कि नहीं बचा, कितना बचा 70 बचा, और ये 70 का जो पार्ट बचा है बोला कि सी को बंद कर दिया गया 10 घंटे के बाद, सी को बंद कर दिया गया, तो जो 70 पार्ट है वो ए और बी ने भरा होगा, तो 70 बाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 35, आप बताइए 2 घंटे और लगेगा, तो 10 घंटे ये और 2 घंटे ये, यानी कुल मिला के टंकी को भरने में कितना समय लगा, 12 घंटे, है ना, टंकी को भरने में कितना लगे 12 घंटे, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों ने दिया, आंसर आएगा 12 घंटे, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बेटा फटाफट, बहुत आसान सवाल है, तेजी के साथ इसको भी लगा दो।
सब लोग। Two pipe A and B can fill a cistern in 15 minute and 20 minute respectively. Then both the pipe, both are turned on at the same time. If the tap A is turned off after some time, after the cistern is filled in 12 minute, after how much time A is closed? देखिए, ए टंकी को कितनी देर में भर सकता है 15 मिनट में, और बी उसको कितनी देर में भर सकता है 20 मिनट में। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 से भाग करो कितना आएगा 15 चौको 60 और 20 तिया 60, यानी ये आ गया इफिशियंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सवाल में लिखा है दोनों पाइप एक साथ चालू किए गए, ठीक, थोड़ी देर तक काम कर रहे थे। इफ द टैप इज टर्न ऑन आफ्टर सम टाइम, जो ए को है हमने थोड़ी देर बाद बंद कर दिया गया, तो आप बताओ रिमेनिंग, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि पहले कुछ मिनट तक ए और बी ने काम किया एक्स मिनट तक, और उसके बाद हमने ए को बंद कर दिया, तो बाकी बचे हुए काम को बी ने कितनी देर में कर दिया, 12 मिनट में कर दिया। सही है, यही तो है सवाल में लिखा। तो आप बताइए कि बी का 12 मिनट का काम कितना हो जाएगा 36, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 60 माइनस 36 कर लो, बताओ कितना आ जाएगा 24। और इसका मतलब है कि जो ये 24 काम है ये दोनों ने किया था साथ में, ये 24 वर्क दोनों ने किया था, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 3 सही 3 बटे 7। तो सवाल में यही लिखा ना कि आफ्टर हाउ मच टाइम ए is closed, तो 3 3/7, यानी आंसर नंबर बी आ जाएगा, जो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, है ना? बिल्कुल सही है जवाब सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लीजिए भाई, लगाइए ग्लास वाला। A tank is filled in 5 hour by 3 pipe PQR. The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P. How much time will pipe P alone take to fill the tank? जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या आ रहा है? अब देखिए, सबसे पहले तो इसने क्या बोला है वो सुनिए। अ टैंक इज फिल्ड इन फाइव, एक टंकी है जो 5 घंटे में भर जाती है। तीन पाइप है पी क्यू आर, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। देखिए क्या लिखा है, द पाइप आर इज ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू, जो आर है वो क्यू के कंपेयर में दोगुना तेज काम करता है, और जो क्यू है
वो पी के कंपेयर में 2 गुना काम करता है, मतलब अगर ये 1 घंटे में एक काम करता है तो ये 2 काम करता है और ये 4 काम करता है, और चूंकि ये एफिशिएंसी दिया है, सही है। अब आप लोग बताओ 4, 2, 6, 1, 7 तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 7। तीनों को मिलके पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। यानी बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 35 टोटल वर्क आ गया। अब यही टोटल वर्क जो है हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है, ए की मतलब सॉरी पी से करवाना है। तो पी की क्षमता कितनी है? 1, यानी 35/1 कर दीजिए, आंसर आएगा 35 आवर। बिल्कुल सही जवाब आया मोहित, बहुत बढ़िया। गौतम, सहेली, खुशबू, जागृति, राहुल, ऋषु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पे सवाल हाजिर है, बताते रहिए सब लोग। थ्री पाइप पी क्यू आर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर आफ्टर वर्किंग इट टूगेदर फॉर 2 आवर, आर इज क्लोज एंड पी एंड क्यू कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर। द नंबर ऑफ आवर टेकन बाई आर अलोन टू फिल द टैंक। बहुत बढ़िया सवाल है, मुझे भरोसा है सबसे बन जाएगा, देख लेना पूरी क्लास का आंसर आएगा इसमें, पूरी क्लास का। अच्छा एक बात बताओ, 3 पाइप पी क्यू आर कैन पूरी टंकी को 6 घंटे में पी क्यू आर भर सकते हैं, तो वर्क इन 2 आवर, 2 घंटे में इनने कितना काम किया होगा बताओ? 2/6 मतलब 1/3 पार्ट फिल हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, क्योंकि सबसे पहले 2 घंटे तक पी क्यू आर तीनों को ओपन किया गया, तो मतलब 1/3 हिस्सा टंकी भर गई थी, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा आप बताओ? अरे तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 अभी बचा है, और उसके बाद क्या हुआ, आर को बंद कर दिया था, तो यानी 2/3 हिस्से को पी और क्यू ने कितनी देर में भरा था? 7 घंटे में भरा था। तो आप बताओ पी और क्यू अगर पूरा काम करेगा तो कितने घंटे लगेगा? 21/2 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो भाई। अब आप बताओ 21/2 घंटे लगा, तो चाहो आप बेसिक लगा लो, चाहो आप क्या कर लो, एलसीएम मेथड लगा लो, तो आसानी। बताओ पी क्यू आर का टाइम दिया है 6 घंटे, पी क्यू का समय मिला है 21/2 घंटे, और आर का आसानी से समय निकाला जा सकता है, आर अलोन। देखिए पी क्यू आर का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/6, और पी क्यू का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 2/21, है ना। मेरे हिसाब से तो भैया जिससे जल्दी हो जाए वही मेरा बेस्ट मेथड होता है, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 42, तो ऊपर आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर कितना, 21 दूना, तो ऊपर हो जाएगा 4, यानी 3/42, तो ये काटोगे कितना आएगा? 14, 14 मतलब हो जाएगा 14 आवर। कितना हो जाएगा बेटा? 14 आवर आपका आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ कौन एलसीएम ले, बस इतने से भाई पी 1/6 में से 2/21 घटाना है, बस इतना तो आपको पता ही है, यही बेस्ट तरीका होता है, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका, इससे लगा लो फुर्सत मिल जाती है सवाल, है ना। चलो भाई फिर शुरू करें अगले सवाल की तरफ, लो जल्दी लगाओ अगला सवाल।
देखिए टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 40 मिनट इफ बोथ द पाइप आर ओपन सर आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इन फुल 18 आवर मिनट। बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी के साथ सब लोग बताइए। देखिए ए टंकी को कितनी देर में भर सकता है बेटा, 20 मिनट में। बी टंकी को कितनी देर में भर सकता है, 40 मिनट में। 20 और 40 का एलसीएम तो आपको पता ही है, 40 आएगा ये 2 और 1, इनकी एफिशिएंसी आ गई है ना। अब सवाल में क्या लिखा है, दोनों पाइप चालू किए गए, बोल रहा है कि बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो एक बात बताओ, पहले हमें बी को बंद करना है, इसका मतलब है कि ए ने पूरे 18 मिनट काम किया होगा कि नहीं काम किया होगा। तो ए एक मिनट में दो काम करता है तो 18 मिनट में कितना काम किया होगा, 36 काम किया होगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बोलो, 4। टोटल वर्क 40 है ना, तो 36 तो ए ने अकेले किया 18 मिनट में, तो इसका मतलब है बी ने केवल कितना काम किया, 4। बी की क्षमता है कितनी, 1, तो बी को समय कितना लगेगा, 4/1 मतलब 4 मिनट। यानी बी 4 मिनट में पूरा काम कर लेगा तो आफ्टर 4 मिनट बी शुड बी क्लोज्ड, 4 मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल मोहित, बहुत बढ़िया। रिशु वेरी गुड, वेरी गुड। लगाओ बेटा जल्दी से फटाफट इसका। हाँ बिल्कुल राहुल, बिल्कुल ये बात से मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, है ना। और यही फायदा मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जब, जैसे मोहित हैं, पुनीत हैं और राहुल हैं, कई सारे बच्चे हैं जब कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं ना, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये मत सोचना सिर्फ दो के ही नाम ले रहा हूँ, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जब, आप उसमें क्या करते हैं कि आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं और उससे बहुत कंसेप्ट क्लियर होते हैं, नो डाउट। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। चलिए देखिए इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, बताओ जरा सब लोग क्या आ रहा है आंसर। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 60 मिनट, एक पाइप जो है वो 60 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। अनदर पाइप हुज डायमीटर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ फर्स्ट पाइप इज आल्सो ओपन, नाउ फाइंड द टाइम इन विच बोथ पाइप एम्प्टी द टैंक टुगेदर। ठीक है, क्या किया आप लोगों ने, सब लोग ध्यान रखिएगा। वैसे पता है जो, सबसे पहली बात ध्यान सुनिएगा, A pipe can empty a tank in 60 मिनट। A pipe can, a pipe मतलब एक पाइप जो है वो टंकी को 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, 60 मिनट में a। और आगे क्या लिखा है, another pipe जो दूसरा पाइप है whose diameter, उसकी डायमीटर जो है
वो पहले वाले के डायमीटर से दोगुनी है, यानी कि जो दूसरा पाइप है उसकी डायमीटर जो है वो दुगनी है, ठीक है ना। ये डायमीटर या रेडियस का रेशियो दिया गया है, आप ये रेडियस या डायमीटर आप कुछ भी बोल सकते हो, उसका रेशियो दिया गया है। तो आप सभी को वैसे पता है, मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो पाइप का ये जो मुंह होता है ना, ये जैसे पाइप यहां से पानी निकालता है, तो बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मतलब आप बताओ ये पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब ये आर स्क्वायर के बराबर इफेक्ट डालती है। मतलब सीधा सीधा है कि इसका रेडियस डबल है, मतलब ये इफेक्ट डालेगी इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब कितने के, चार के बराबर इफेक्ट डालेगी। बोलो बात समझ में आ रही। इसका रेडियस डबल, तो आप ये मत समझना कि बी को समय 30 मिनट लगेगा, नहीं, चौथाई समय लगेगा, चौथाई, क्योंकि ये हमने क्या वर्ड यूज किया है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हाँ, तो इसकी इफिशियंसी मतलब ये आर स्क्वायर के बराबर काम करेगी, याद रखिएगा। तो आर स्क्वायर का मतलब बी का जो समय होगा वो 60/4, यानी बी को 15 मिनट लगेगा, चौथाई समय लगेगा उसको खाली करने में। मेरी तरफ से ये सवाल को स्पेशली याद रखिएगा आप लोग। अब सवाल खत्म। ए 60 मिनट में और बी 15 मिनट में, दोनों ही खाली कर रहे हैं, एलसीएम 60 आ जाएगा, एक आ गया और ये 4 आ गया है ना, तो बस दोनों की क्षमता कितनी है, 5। 60 को 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। 12 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। बहुत शानदार। अच्छा, ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन, मंडे से हम लोग आरबीआई के फुल डिटेल के साथ, मतलब पूरा कंप्लीट पेपर पैटर्न क्या था, पेपर पहले पेपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में 9 से 10 में मैथ चलेगी, उसके बाद रीजनिंग चलेगी, उसके बाद इंग्लिश का सेशन चलेगा। तो यानी मंडे से हम लोग आरबीआई का सेशन ला रहे हैं, आप लोगों का क्या सुझाव है, सही रहेगा? सॉरी, एक बार जल्दी से बताओ, मंडे से आरबीआई का सेशन सही रहेगा? क्योंकि आप सभी लोग, जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, सारे लोग आरबीआई का फॉर्म भर रहे हैं, तो पेपर का पैटर्न कैसा होता है, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मंडे से आप सभी लोग रेडी रहेंगे, हम लोग जुड़ते हैं कितने बजे, 9 बजे से, पहले मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूरे मॉक पेपर डिस्कस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।